आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो हम लोग का फोर स्ट्रोक इंजन रहता है उसका जो गियर मैकेनिज्म रहता है, गियर बॉक्स के अंदर पावर कैसे गियर से इनपुट से होके हम लोग का गियर जब चेंज करते उसके बाद डिफरेंशियल तक पहुंचता है। तो ये जो इंजन आप लोग देख रहे हैं ये इंजन है आप लोगों का फोर स्ट्रोक इंजन है एक। तो फोर स्ट्रोक इंजन का हम लोग जब फर्स्ट यहाँ पे पावर, ये जो सेफ्ट देख रहे हैं आप लोग, ये क्रैंक सेफ्ट से कनेक्ट हुआ रहता है। क्रैंक सेफ्ट से कनेक्ट होने के बाद पावर यहाँ से आता है। जब हम लोग गियर को चेंज करते हम लोग टोटल ये जो गियर बॉक्स है इसको खोल दिए है। यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये आपका मेन गियर है। जब हम लोग इसको चेंज करते एक दो तीन चार करके, यहाँ पे देखिए टोटल इसको चेंज किया जा रहा है। ये देखिए ये जो साउंड आप चेंज करें यहाँ पे देखिए इसका बदलाव आ रहा है। मतलब यहाँ के गियर को एंगेज एंड डिसएंगेज करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब भी हम लोग इसको गियर चेंज करते ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे आके एंगेज हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक ग्रूव है और एक देखिए यहाँ पे है। तो हम लोग जब गियर को चेंज करते हैं तो कैसे होता है, इनपुट पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इनपुट कहाँ से आ रहा है। तो इनपुट यहाँ से आ रहा है, देखिए ये जो सेप आप लोग देख रहे हैं क्रैंक सेप से कनेक्ट होके ये टोटल पावर यहाँ से इनपुट होके आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग गियर को चेंज करते हैं तो उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होके, ये वाला फोर्थ है, यहाँ से आउटपुट डायरेक्ट जाता है, ये वाला जो है यहाँ पे आउटपुट जाता है। तब हम लोग इसको धीरे से घुमाओ, देखिए पावर यहाँ से आ रहा है टोटल क्रैंक सेफ्ट से। इसके बाद जब हम लोग गियर को चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होता है, इसको चेंज करके दिखाओ। हम लोग इसको हाथ के थोड़ा धीरे से कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो होता है ये एंगेज एंड डिसएंगेज करता है एक गियर से दूसरे, ये देखिए चेंज हो गया। ये जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं ये चेंज होके साइड पे आता है, तब उसी के टाइम पे हम लोग का आता है। तो लास्ट में पावर कहाँ से आता है, रिवर्स कौन सा है, एकदम से नीचे में देखिए रिवर्स है। जब हम लोग रिवर्स में गाड़ी में देते हैं तो ये रिवर्स पे आता है, उसके बाद यहाँ से पावर होके एकदम से डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल के अंदर का मैकेनिज्म क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला दिखाओ डिफरेंशियल को, ये देखिए ए हो गया हम लोग का डिफरेंशियल। तो टोटल यहाँ से पावर आके हम लोग का आउटपुट मतलब टोटल व्हील तक जाता है ये डिफरेंशियल के माध्यम से।